नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एवरी प्रॉब्लम हैज सॉल्यूशन विथ मोना में। आज साथियों, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो को लाइक कर रहे हैं, उसे शेयर भी कर रहे हैं और मेरी जो मेहनत है वो मुझे सार्थक होती हुई नज़र आ रही है। तो आगे भी आप मेरी वीडियो को इसी तरीके से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम आपके लिए लाए हैं आवधिक आकलन की नई सीरीज, जिसमें हम विषय अंग्रेजी लेकर आए हैं और उसमें हम आपको सप्ताह 19 जो है वो बताने जा रहे हैं। इस आवधिक आकलन प्रपत्र 2 में यहाँ पर जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा में सम्मिलित किया गया है कक्षा 1 का, उसमें 19वां सप्ताह लिया गया है और इस 19वें सप्ताह में जो वर्कशीट क्रमांक है जो हमको बच्चों को वर्कबुक में करवानी है, वो वर्कशीट क्रमांक 172 से 178 अंकुर बुक में दी गई है लाल रंग की पुस्तिका में, जो कि ये वाली पुस्तिका है लाल कलर की, है ना। इसमें ये वर्कशीट क्रमांक है लेकिन पेज नंबर जो है वो 198 से 204 नंबर के पेज पर दिया गया है। ठीक है साथियों, अब 198 से 204 नंबर हमारा प्रश्न क्रमांक है और वर्कशीट क्रमांक जो है वो 172 से 178 है। और हमको जो ट्रैकर भरना है वो हमारी शिक्षक संदर्शिका मतलब अंकुर गाइड जो आपको मिली है उसमें 208 नंबर का पेज और 209 नंबर का पेज का हमको ट्रैकर भरना है। तो चलिए देखिए साथियों, अपन देख लेते हैं जो ये हमारी अंकुर बुक है, इसमें 172 नंबर का ये प्रश्न क्रमांक है ना, 19वां सप्ताह, ये प्रश्न क्रमांक ऊपर दिया गया है, ये वर्कबुक क्रमांक है, ठीक है। और प्रश्न क्रमांक क्या है, 198। तो ये दोनों अंतर आपको समझना है। 198 पर हमको पेज नंबर जब खोलेंगे तो हमारी जो वर्कशीट क्रमांक है वो 172 हमको नजर आएगी। तो यहाँ से हमको क्या करना है, शुरू करना है। तो साथियों देखते हैं हम आवधिक आकलन प्रपत्र अंग्रेजी विषय का जो ये आवधिक आकलन सप्ताह 19 है, इसके तीसरे दिन हमको क्या करना है, ट्रैकर भरना है। तो 19वें सप्ताह के पहले और दूसरे दिन हमको क्या करना है, हमको रिवीजन कराना है। किनका रिवीजन कराना है, 11 उद्देश्यों का रिवीजन कराना है जो हमने सप्ताह 13 से लेके 18 तक पढ़ाया था। मतलब साथियों जो 12वां सप्ताह था हमारा, वो पहला हमारा आवधिक आकलन सप्ताह था और दूसरा आवधिक आकलन सप्ताह हमको 19वें सप्ताह में करना है। और हमको उद्देश्य कौन से लेना है, 13 से लेके 18 सप्ताह में हमने जो पढ़ाया है वो टोटल 11 उद्देश्य जो है हमको 19वें सप्ताह में लेना है। ठीक है साथियों, तो देखिए जो हमारे उद्देश्य है 11 उद्देश्य, वो कौन कौन से उद्देश्य हैं हम ट्रैकर में देखते हैं, है ना। नेमिंग वर्ड, एक्शन वर्ड, वंस और मैनी, कलर मैचिंग, हार्ड एंड सॉफ्ट, बिग एंड स्मॉल, अपोजिट वर्ड, सब्स्टिट्यूशन बिगनिंग, सब्स्टिट्यूशन एंडिंग, अंडरलाइन साइट, राइटिंग लेटर्स, इस तरीके से ये टोटल 11 उद्देश्य हैं। अब मैं यहाँ पर ट्रैकर भरना आपको बता रही हूँ। देखिए जो नेमिंग वर्ड है वो यहाँ से हम मैच करेंगे। जो मेरी कक्षा में लक्ष्मी नाम की लड़की है वो यहाँ पर प्रत्येक श्रेणी के लिए उचित चित्रों पर राइट का निशान बनाइए। तो ये हमारे नेमिंग वर्ड है जिसमें एनिमल दिया है, प्यूपिल दिया है और थिंग दिया है, मतलब ये नाउन के से रिलेटेड है और इसमें नेमिंग वर्ड पे बच्चे को राइट का निशान लगाना है। तो देखिए यहाँ पर ये बच्चे ने नीले कलर का राइट का निशान लगाया हुआ है, प्यूपिल में राइट का निशान लगाया हुआ है, थिंग में यहाँ पर ये राइट का निशान लगाया हुआ है, मतलब लक्ष्मी ने ये तीनों ही क्वेश्चन सही कर लिए हैं। तो मैंने यहाँ ट्रैकर में इसको राइट का निशान लगा दिया है और 3 में से 3 नंबर दे दिए हैं, ठीक है। यदि ये 2 करती तो मैं 2 पे 2 नंबर देती उसको, लेकिन उसने तीनों ही सही कर दिए तो 3 में से 3 नंबर लाइए। अब दूसरा उद्देश्य है मेरा एक्शन वर्ड, है ना। एक्शन वर्ड का क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक एक्शन वर्ड के लिए उचित चित्र पर घेरा लगाइए। अब यहाँ लिखा है रीड, तो बच्चा क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, और यहाँ पर तो ये सॉन्ग गा रही है लेकिन यहाँ पर रीड लिखा है तो रीड पर हम घेरा लगाएंगे। बच्चों जो हमारे बच्चे हैं वो रीड पर घेरा लगाएंगे। ईट, तो यहाँ पर ये सो रही है बच्ची और यहाँ पे ये ईट कर रही है, खा रही है, तो बच्चा जो है वो ईट पे राइट लगाएगा तो उसका ये सवाल सही हो जाएगा। जंप, तो यहाँ पर जंप बच्चा ये कर रहा है, ये तो बैठी हुई है, तो बच्चा यहाँ पर राइट का निशान लगाएगा तो वो सही हो जाएगा। इस तरीके से ये एक्शन वर्ड लक्ष्मी ने तीनों सही कर दिए है, तो यहाँ पर मैंने इसको 3 में से 3 नंबर दे दिए हैं और राइट का निशान लगा दिया है। अगला हमारा उद्देश्य देखेंगे वंस और मैनी। वंस और मैनी में क्या है, यहाँ पर उन चित्रों पर घेरा लगाइए जो एक से अधिक वस्तु दिखाते हैं।
तो यहाँ पर चाबी एक है, ये दरवाजा एक है, लेकिन ये जो बॉल है ये क्या है बच्चों, बहुत सारी है, मतलब एक से ज़्यादा है, तो इस पर घेरा लगा दिया बच्चों ने। अब यहाँ पर क्या है, पेंसिल है, तो एक से ज़्यादा पेंसिल है, तो यहाँ पर बच्चों ने एक से ज़्यादा पेंसिल पे घेरा लगाया है। यहाँ बुक्स है तो ये भी ज़्यादा है, इस पे घेरा लगाया। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि ये मकान एक है लेकिन मकान के अंदर खिड़कियाँ क्या है साथियों, बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए ये भी मेन ही में आ जाएगा कि खिड़कियों को देखते हुए यहाँ पर घेरा लगाना होगा। तो कुछ बच्चे तीन पे घेरा लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है साथियों, तो तीसरा हमारा वंस और मेनी, ये चार नंबर का क्वेश्चन है, चार में से उसको तीन नंबर लाना जरूरी है, तो उसके राइट का निशान लगेगा। यदि वो इन चारों घेरों पे निशान लगा देता है तो चार में से चार आ जाते हैं, जैसे लक्ष्मी ने किया है, उसने चारों पे निशान लगाया है, तो मैंने चार में से चार दे के राइट का निशान लगा दिया। यदि बच्चा तीन पे भी लगाएगा तो राइट का ही निशान आएगा, क्योंकि आवश्यक उसको तीन नंबर लाना जरूरी है। अब अगला देख लेते हैं हम साथियों, चित्रों में सही रंग का मिलान करिए। अब जो चित्र दिए उसी रंग के यहाँ पे मिलान करना है उसको, जैसे ये कार है तो रेड कलर की है तो रेड से मिलान हो गया, यहाँ पर ये इस तरीके से बॉल का कलर ग्रीन है तो ग्रीन से मिलान हो गया, ये यहाँ पर हल्का ब्लू कलर है तो ये इससे मिलान हो गया, व्हाइट चिड़िया है तो व्हाइट से मिलान हो गया, इसी तरह चारों से सही मिलान कर दिया है तो ये भी क्वेश्चन जो है हमारा अगला जो है कलर मैचिंग का, वो भी चार नंबर का है, चार में से चार नंबर दे देंगे, सही मिलाया है। और यदि एक उसने गलत मिला दिया है और तीन सही मिलाए तो भी राइट का निशान लग जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सभी कठोर वस्तुओं पर घेरा लगाइए। अब यहाँ कठोर वस्तुओं से मतलब जो हार्ड वस्तुएं हैं, यहाँ पे अगला हमारा हार्ड और सॉफ्ट वाला जो कॉलम है वो पूरा हो रहा है। हार्ड वस्तु पर गोला लगाएंगे, जैसे ये लकड़ी का बना हुआ है, ये लकड़ी का वो, ये भी लकड़ी का बना हुआ है, ये एक टीन का बर्तन है, तो ये हार्ड है, तीनों पे निशान लगा दिया तो ये तीनों ही क्वेश्चन उसने सही कर दिए। तो यहाँ पर मैंने हार्ड और सॉफ्ट में उसको तीन में से तीन नंबर दे दिए, राइट का निशान लगाया। अगला है सभी बड़ी जंतु और वस्तुओं पर घेरा लगाइए। अब देखिए बड़ा जंतु ये एलिफेंट है तो इस पर घेरा लगा दिया, ये अलमारी बड़ी है इस पर घेरा लगा दिया, ये रिक्शा बड़ी है इस पर घेरा लगा दिया, बाकी चूहा, ये छोटी टेबल, पत्ता, ये सब छोटे हैं, उसने तीनों बड़े बड़े पे ही घेरा लगाया, तो तीनों सवाल सही कर दिए उसने यहाँ पर, बिग और स्मॉल में, तो तीन में से तीन नंबर ले आई है। यदि दो पे घेरा लगाती तो तीन में से दो लाती, तो दो में भी उसको राइट का निशान ही लगता। ठीक है साथियों, अब आगे देखते हैं अपन अपोजिट वर्ड। अब अपोजिट वर्ड में उसको मिलान करना है, हैवी और लाइट, तो हैवी और लाइट क्या, हैवी है सोफा हैवी है और पत्ती बहुत ज्यादा लाइट है ना। रन और वॉक, तो यहाँ पर ये रन कर रहा है बच्चा और ये वॉक कर रहा है। फास्ट एंड स्लो, तो ये कछुआ बिल्कुल स्लो है और खरगोश एकदम फास्ट है, तो उसने सही बिल्कुल जोड़ी मिलान कर दी अपोजिट वर्ड की, और तीन नंबर की है ये तीन, तो यहाँ पर तीन में से तीन ले आई। यदि वो दो जोड़ी सही मिलान करती तो दो नंबर ले आती, उसमें भी राइट का निशान लग जाता उसका। आगे वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है साथियों, सब्स्टिट्यूट का क्वेश्चन है, बिगनिंग वाला, तो इसमें सीवीसी शब्द बनाने के लिए दिए गए सीवीसी शब्दों की आरंभिक ध्वनि पर घेरा लगाना है ना। तो जैसे वर्ड है बी ए जी बैग, तो बैग में से यहाँ पर इसके ही समान हमको एक दूसरा शब्द जो यहाँ पर ये फोटो में दिया गया है ना, इससे मिलान करके बनाना है। जैसे बी ए जी बैग, तो ये टी से बन जाएगा टी ए जी टैग, तो ये टैग बना हुआ है यहाँ पर जिसमें 53 रुपीज लिखा हुआ है, तो यहाँ पर टैग करके इसको टैग यहाँ पर लिख देना है। तो ऐसे साथियों बच्चा यदि ऐसा करेगा तो वो उसका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये एम एन ई मैन है, तो ये यहाँ से क्या हो रहा है पी ई एन पेन हो रहा है, क्योंकि चित्र भी पेन का बना है। अब वो एच ई एन हैन भी कर सकता है, लेकिन यहाँ हैन नहीं बना हुआ, तो वो पी ई एन पेन करेगा तो उसका सही हो जाएगा ये वर्ड। अब यहाँ एफ यू एन फन है, तो एस यू एन सन, क्योंकि यहाँ सन बना हुआ है। पी ई एन पेन, तो यह एफ ई एन फिन, डी ओ टी डॉट, तो पी ओ टी पॉट, इस तरीके से ये भी क्वेश्चन उसने कर लिया। अब यहाँ पर देखिए साथियों, अगला जो हमारा इसमें दिया गया है सब्स्टिट्यूशन एंडिंग वाला, तो एंडिंग वाले में भी बी ई जी बिग है ना, तो यहाँ पर बी ई जी बिग और बी आई एन बिन, तो यहाँ पर बिन है तो बिन ये डस्टबिन जैसा हो गया, और ये बी आई जी बिग, बिग ये बड़ा तो ये पेड़ बड़ा, तो इसी तरीके से वो आगे वाले क्वेश्चन भी बच्चा मिला लेगा चित्र को देखते हुए। तो ये उद्देश्य भी यदि वो तीनों सही कर लेता है तो तीन में से तीन नंबर लेके आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितने पांच दिए हुए हैं, तो वो पांच यदि सही कर लेता है तो पांच में से पांच नंबर लाएगा, यदि चार सही करता है तो वो चार नंबर लाएगा, तो उसमें भी राइट का निशान लग जाएगा। आखिरी में इधर देख लेते हैं साथियों अपन, ये क्या है साइट वर्ड है, और साइट वर्ड पे यहाँ पर जो बॉक्स में दिए गए उन पे
यहाँ से मिलान करके राइट रेखा रेखांकित करना है इनको। जैसे दिस इज ए बॉल, तो इज और ए ये साइड वर्क है इसके। द गर्ल सिंग, तो द जो है वो साइड वर्क है, तो यहाँ से हमको बॉक्स में इसको मैच करवाना है। आई एम ए डांसर, तो आई और ए वर्ड हो गए। तो इसी तरीके से देखकर इससे हमको मैच करवाना है। बच्चा यदि सब सही कर देता है तो उसको हम यहाँ पर कितने नंबर है, 10 नंबर है। टोटल 10 वर्ड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है ना। तो 10 नंबर में से उसको मार्किंग करनी है। यदि वो 8 नंबर भी लाता है तो राइट का निशान लगेगा, 10 में से 10 लाया तो भी राइट का निशान लगेगा, और यदि वो 5 नंबर लाया है तो क्रॉस का निशान लगेगा। आखिरी में यहाँ देख लेते हैं, नोटबुक में हमको प्रत्येक दिए गए लेटर को अपनी नोटबुक में जांच करना है। जैसे बी है ना, स्मॉल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल जी, स्मॉल जी, तो ये सब अपने को बच्चों को नोटबुक में 5 बार लिखवाना है बच्चों से, उनकी ही नोटबुक में, इसमें तो केवल दिए हुए। तो इस तरीके से हमारे पूरे 11 उद्देश्य पूर्ण होंगे। और ये 6 नंबर का है, मतलब बच्चे को यहाँ पर 6 नंबर लाना जरूरी है। जो लेटर है वो कितने दिए गए, 8 दिए गए। यदि वो 8 में से 6 लाता है तो राइट का निशान लगेगा, 8 में से 8 लाता है तो भी राइट का निशान लगेगा, लेकिन 6 से कम लाता है तो रॉन्ग का निशान लगेगा। तो देखा साथियों, इस तरीके से हमारा ट्रैकर जो है वो अपडेट हुआ है। अब अपन देख लेते हैं साथियों कि जो मेरी लक्ष्मी और आनंद है ना, वो तो हमारे ग्रुप किस में चले गए हैं, इधर। हम 19वें सप्ताह के 3रे दिन समूह निर्माण करेंगे। समूह ए में मेरे लक्ष्मी और आनंद आ गए हैं। इनको हम संवर्धन पत्रक कराएंगे। समूह बी में मेरी राधा आई है, क्योंकि जो ये राधा है ये मेरे ऑपोजिट वर्ड में 3 में से 1 नंबर लेके आई है। इसको कम से कम 2 नंबर लाना थे पर ये 1 ही लाई है, तो इसलिए ये समूह बी में आ गई है। और ये रह गई है सब्स्टिट्यूशन बिगनिंग में, इसको 5 में से 4 नंबर लाने थे पर ये 3 ही लाई है। और उसके बाद ये रह गई है अंडरलाइन साइड में, तो ये 10 में से 5 ही लाई है। इसको कितने लाने थे, 10 में से 8 लाने थे कम से कम, तो इसमें भी रह गई। तो ये 3 मेरे उद्देश्यों को पूर्ण नहीं कर पाई है, इसलिए ये रह गई है समूह बी में। अब हम कुसुम को देख लेते हैं, जो मेरे समूह सी में रह गई है। इसने एक भी उद्देश्य मेरा पूरा नहीं किया है, ये सब में रॉन्ग रॉन्ग, जितने इसको नंबर लाने थे उतने पूरे नहीं लेके आई है, और सब में रॉन्ग 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 करके आई है। तो इन दो ये बच्ची जो मेरी कुसुम है, ये समूह सी में चली गई है, क्योंकि इसने मेरा एक भी उद्देश्य पूर्ण नहीं किया है साथियों। अब 4थे और 5वें दिन हम पुनरावृत्ति करेंगे। किन बच्चों की, राधा और कुसुम की, जो बी और सी समूह में है ना, लक्ष्मी और आनंद, तो संवर्धन पत्रक करेंगे 4थे 5वें दिन। लेकिन राधा और कुसुम जो है वो क्या करेंगी, पुनरावृत्ति करेगी, किसकी, जिन उद्देश्यों में ये रह गई है। टीचर इनकी सहायता करेंगे और इनको अलग से पढ़ाएंगे। और 6ठे दिन हम फिर क्या करेंगे, ट्रैकर को अपडेट करेंगे, और फिर से राधा और कुसुम के जो रह गए हैं उसमें वो यदि ज़्यादा नंबर लाते हैं, फिर से इनकी पुनरावृत्ति होगी, परीक्षा होगी, और फिर हम ट्रैकर इनका अपडेट करेंगे साथियों 6ठे दिन। हाँ साथियों, तो 6ठे दिन हमको ट्रैकर अपडेट करना है। तो देखिए साथियों, जो ये मेरी राधा नाम की बालिका थी कक्षा में, ये मेरे एक ऑपोजिट वर्ड में रह गई थी, तो इसको 1 में से 3, 3 में से 1 ही नंबर आए थे। लेकिन जब 6ठे दिन मैंने इसकी वापस एग्जाम ली और ट्रैकर को अपडेट करा, तो ये अपोजिट क्वेश्चन वाले क्वेश्चन में 3 में से 3 नंबर लेके आई है ना। तो ये क्रॉस के निशान को मेरे को छेड़ना नहीं है, लेकिन जो अब ये नंबर लेके आई है उसको हम इसी तरीके से यहाँ पर लिख देंगे। तो ये मेरे इस उद्देश्य को इसने पार कर दिया है। अगले उद्देश्य में ये किस में रह गई थी, सब्स्टिट्यूट बिगनिंग में रह गई थी, तो इसको 4 नंबर यहाँ पर लाना आवश्यक थे। पहले ये 3 लाई थी, लेकिन अब ये 5 में से 4 नंबर लिए, तो उसने मेरा ये उद्देश्य भी पूर्ण कर लिया है। उसके बाद ये रह गई थी अंडरलाइन साइड में, तो उसमें इसको 10 में से 8 नंबर लाने थे, 5 लाई थी, लेकिन अब ये 10 में से 8 नंबर लेकर आ गई है, तो उसने मेरा ये वाला उद्देश्य भी पूर्ण कर लिया है। तो साथियों, जो राधा थी वो मेरे अब समूह एक में पहुंच गई है, मतलब उसने मेरे सारे उद्देश्य पूर्ण कर लिए हैं यहाँ पर। और जो कुसुम थी, जिसने मेरा एक भी उद्देश्य पूर्ण नहीं किया था, तो 6ठे दिन उसको देख लेते हैं हम। नेमिंग वर्ड में ये 2 में से 3 लेके आ गई है, ये उद्देश्य इसने पूर्ण कर लिया है। ये भी 3 में से 2 लेके आ गई है, ये भी उद्देश्य पूर्ण कर लिया है। तो इस तरीके से इसने मेरे ये सारे उद्देश्य जो आगे के थे ये पूर्ण कर लिए हैं। लेकिन उसने मेरा जो ये वाला उद्देश्य था साथियों, यहाँ पर उसको सब्स्टिट्यूट बिगनिंग वाले में 4 नंबर लाने थे, लेकिन यहाँ पर ये 3 ही नंबर लेकर आई है। तो यहाँ पर इसने मेरा ये उद्देश्य फिर से पूर्ण नहीं किया है। और ये वाला उद्देश्य, और ये 10 में से 8 वाला, और 8 में से 6 वाला, ये उद्देश्य उसने पूर्ण कर लिया है, लेकिन ये पूर्ण नहीं किया है। तो ये जो है सब्स्टिट्यूट, ये मैं ऐसे की ऐसे ही यहाँ पर
बिगनिंग इज साउंड, ये ऐसा यहाँ पर लिख दूंगी, है ना। आखिरी वाले पुनः मूल्यांकन में अप्राप्त लक्ष्य, तो ये मेरा अप्राप्त लक्ष्य है तो जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो ठीक है साथियों, इस तरीके से हम छठे दिन ट्रैकर को अपडेट कर देंगे और अपडेट कर हम भर लेंगे यहाँ पर। तो आपको किस तरीके से साथियों हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है, यदि पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।